आज हम डिस्कस करेंगे पॉइंटर्स और स्ट्रिंग्स को। पॉइंटर्स जो है, ये एक फीचर है सी प्लस प्लस का जो सबसे पावरफुल फीचर है। पॉइंटर्स को यूज किया जाता है कि जो डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, लाइक लिंक लिस्ट, क्यूज, स्टैक्स, ट्रीज, उनको मैनिपुलेट करने के लिए पॉइंटर्स को यूज किया जाता है। जो ट्रीज हैं, ये एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है। जिस तरह हमने स्ट्रक्ट डिस्कस किया था, इसी तरह ट्री भी एक डेटा स्ट्रक्चर है, लिंक लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर है, स्टैक भी एक डेटा स्ट्रक्चर है, क्यूज भी डेटा स्ट्रक्चर है। तो उनमें डेटा मैनिपुलेट करने के लिए पॉइंटर्स को यूज किया जाता है। इसके अलावा वर्चुअल फंक्शन यूज होता है पॉलीमॉर्फिज्म में, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो वर्चुअल फंक्शंस को जो मैनिपुलेट करने के लिए भी पॉइंटर्स यूज होते हैं। तो पॉइंटर्स को डिस्कस करने के लिए ये जरूरी है कि हमें मेमोरी एड्रेसेस और वेरिएबल के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कंप्यूटर मेमोरी जो है, उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर डिवाइडेड होती है। हर जो लोकेशन है वो एक बाइट को रेफरेंस करती है और हर बाइट का एक यूनिक एड्रेस है। जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो उसको मेमोरी में लोड किया जाता है फ्रॉम द डिस्क। आपका जो इनिशियली आप जितने भी सी प्लस प्लस के प्रोग्राम लिखते हैं, तो वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड डिस्क या SSD के ऊपर सेव होते हैं। जब आप उनको एग्जीक्यूट करते हैं तो वो प्रोग्राम मेमोरी या रैम में लोड होते हैं। तो जितने भी प्रोग्राम, चाहे आपका अपना सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है या MS Word एप्लीकेशन है, पावर पॉइंट है, ब्राउजर है, जितने भी प्रोग्राम है, व्हेन दे विल बी एग्जीक्यूटेड, दे विल बी लोडेड इनटू मेमोरी। तो ये जो रैम है या मेमोरी का कुछ स्पेसिफिक जो हिस्सा होता है या लोकेशंस होती हैं, वो प्रोग्राम उसको ऑक्यूपाई कर लेता है। इसी तरह जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं अपने प्रोग्राम में, वो भी किस मेमोरी की कोई लोकेशन को ऑक्यूपाई करता है। फॉर एग्जांपल, आपने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो इंटीजर टाइप के वेरिएबल को 2 बाइट्स रिक्वायर्ड है। और जो अगर आपके पास फ्लोट टाइप का वेरिएबल है तो फिर 4 बाइट्स रिक्वायर्ड है। तो जब भी आप एक वेरिएबल को क्रिएट करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, तो 3 प्रॉपर्टीज उसके साथ एसोसिएट हो जाती हैं। नंबर 1, टाइप ऑफ द वेरिएबल। नंबर 2, नेम ऑफ द वेरिएबल। नंबर 3, मेमोरी एड्रेस असाइन टू द वेरिएबल। तो ये 3 चीजें हैं, जब भी आप कोई वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो उसका नेम, उसकी टाइप और उसका जो मेमोरी एड्रेस है, जो रैम ने उसको ऑक्यूपाई करता है, वो इसके साथ एसोसिएट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास अगर कोई वेरिएबल XYZ है, और इसकी जो टाइप है वो इंटीजर है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, तो इसको फॉर एग्जांपल जो एड्रेस मेमोरी में मिला है वो 6570 है। तो इसमें जो इंटीजर है वो इसकी टाइप है, XYZ इसका नाम है, वेरिएबल नेम, और 6570 इसका एड्रेस है।
जब भी वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है तो उसके लिए एक मेमोरी लोकेशन उसको असाइन हो जाती है। फॉर एग्जांपल, जो हमारे पास ऊपर हमने यहाँ पे ये वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इसकी वैल्यू 6570 है और ये इंटीजर टाइप है। तो जब भी ये वेरिएबल डिक्लेयर किया जाएगा तो इसको कोई ना कोई मेमोरी एड्रेस भी असाइन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, इसका जो मेमोरी एड्रेस है वो 1011 है। दिस इज द नेम ऑफ द वेरिएबल। ये सिंटेक्स नहीं है, ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि 1011 इसका मेमोरी का मेमोरी में इसका एड्रेस है, और एक्स वाई जी नेम ऑफ द वेरिएबल है, और जो इंटीजर है वो इसकी टाइप है, और 6570 जो है वो इसको हमने एक नंबर असाइन कर दिया है इंटीजर टाइप। तो जो वैल्यू है इसको जब भी हमने एक्सेस करना हो तो इसको हम इसके नेम से एक्सेस कर सकते हैं। लाइक एक्स वाई जी की वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर 6570 है तो हम कहीं पे भी एक्स वाई जी को यूज करेंगे तो हम इसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू को प्रिंट करना है, क्योंकि तो हमारे पास इनिशियली क्या था, हमारे पास ये स्टेटमेंट है सिक्स फाइव सेवन जीरो। तो अगर इसको हमने प्रिंट करना है तो सिंपली हम यहाँ पे सी आउट लिखेंगे एक्स वाई जी, तो इसकी जो वैल्यू है प्रिंट हो जाएगी। अब हमने इस वेरिएबल को प्रिंट करना है और इसकी वैल्यू को एक्सेस करना है तो हम सी आउट करें या इस वेरिएबल को किसी और वेरिएबल में ऐड करें तो तब भी इसकी वैल्यू उसमें ऐड हो जाएगी। तो लेकिन जो मेमोरी एड्रेस है जहां पे ये 6570 वैल्यू स्टोर्ड है उसको भी एक्सेस किया जा सकता है, तो उसके लिए एड्रेस ऑपरेटर यूज होता है। और एड्रेस ऑपरेटर कौन सा है? एम्परसेंट साइन। तो अगर हमने इस वेरिएबल का एड्रेस फाइंड करना है या उसको एक्सेस करना है तो फिर हम ये एम्परसेंट साइन को यूज करेंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है ये प्रिंट करती है वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, और अगर हमने इसका एड्रेस प्रिंट करना है तो सी आउट एम्परसेंट साइन एक्स वाई जी। तो इसकी जो आउटपुट आएगी वो एड्रेस ऑफ द वेरिएबल आएगी। इसमें जो आउटपुट है सिक्स फाइव सेवन जीरो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, और इसमें जो आउटपुट आएगी वो एड्रेस ऑफ द वेरिएबल है। सर एक दफा रिपीट करेंगे प्लीज। हम डिस्कस कर रहे हैं कि वेरिएबल जब भी हम क्रिएट करते हैं तो उसके साथ तीन चीजें एसोसिएट होती हैं। एक तो उसकी डेटा टाइप, लाइक इंटीजर है तो इंटीजर का मतलब है कोई भी वेरिएबल होगा तो उसको स्टोर करने के लिए 2 बाइट्स रिक्वायर्ड है। तो ये वेरिएबल है इंटीजर टाइप का और वेरिएबल का नाम है एक्स वाई जी, और इसको आपने कोई भी वैल्यू असाइन कर दी लाइक 6570 या कोई भी वैल्यू आप इसको असाइन कर सकते हैं। तो जब भी वेरिएबल क्रिएट होता है तो ये एक सर्टेन लोकेशन मेमोरी में ऑक्यूपाई करता है।
तो वो जो लोकेशन है उसका कोई ना कोई स्पेसिफिक एड्रेस होता है. तो हम सपोज कर लेते हैं कि एक्स वाई जी का मेमोरी में जो एड्रेस है 1011 है. तो इसको मैं कमेंट्स में लिख लेता हूँ क्योंकि ये एड्रेस है, एड्रेस ऑफ द मेमोरी. तो एक्स वाई जी का जो एड्रेस है वो 1011 है, इसकी जो वैल्यू है वो 6570 है. तो अगर तो हमने इसकी वैल्यू को प्रिंट करना हो तो हमें पता है कि हम जस्ट सी आउट करेंगे सी आउट एक्स वाई जी, तो इसकी जो आउटपुट है 6570 प्रिंट हो जाएगी. फिर उसके बाद एड्रेस ऑपरेटर है. एड्रेस ऑपरेटर में एड्रेस ऑपरेटर यूज होता है जो वेरिएबल है उसका एड्रेस प्रिंट करने के लिए. जी सर. तो एम्परसेंट साइन हम यूज करेंगे अगर वेरिएबल नेम के साथ, तो उसके साथ हम एम्परसेंट साइन लगाएंगे एम्परसेंट एक्स वाई सी, तो इसका जो एड्रेस है वो प्रिंट हो जाएगा. तो इस तरह हम एड्रेस को भी एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को और उसकी वैल्यू को भी एक्सेस कर सकते हैं. तो नेक्स्ट है पॉइंटर वेरिएबल. पॉइंटर वेरिएबल क्या होते हैं? द वेरिएबल दैट इज यूज्ड टू होल्ड द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल इज कॉल्ड अ पॉइंटर वेरिएबल आर सिंपली अ पॉइंटर. तो जिस तरह हम एक सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इसी तरह एक पॉइंटर वेरिएबल को भी डिक्लेयर किया जा सकता है. इसमें जो डेटा टाइप होगी, द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल हुज एड्रेस अ पॉइंटर इज टू होल्ड एंड द पॉइंटर वेरिएबल मस्ट बी द सेम. लाइक आपके पास अगर ये इंटीजर एक वेरिएबल है और उसका एड्रेस आप किसी पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करना चाह रहे हैं, तो हमने अभी डिस्कस किया कि कोई भी वेरिएबल है तो उसके साथ तीन चीज़ें एसोसिएट होती हैं, उसकी डेटा टाइप, उसका नेम और उसका एड्रेस. तो जो वैल्यू है एक्स वाई जी की उसको तो हम बाई नेम एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन एड्रेस को एक्सेस करने के लिए हमें एक्सेस एड्रेस ऑपरेटर रिक्वायर्ड होता है. तो एड्रेस ऑपरेटर हम वेरिएबल से पहले लगाएंगे तो हमें उसका एड्रेस एक्सेस हो जाएगा. अगर हमने इसका एड्रेस एक्सेस करना है तो पहले उससे एम्परसेंट साइन लगाएंगे और इस एड्रेस का तो अगर हमारे पास इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और उसका एड्रेस हमें किसी वेरिएबल में स्टोर करना है तो उसको उस वेरिएबल को हम पॉइंटर वेरिएबल कहेंगे और उस वेरिएबल में पॉइंटर का एड्रेस हम सेव करेंगे. अगर हमने जो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और उसका एड्रेस हमने सेव करना है तो हमें इंटीजर टाइप का पॉइंटर रिक्वायर्ड है. तो उसको डिक्लेयर करने के लिए हम यूज करेंगे सिंटैक्स इंट स्टार पी. तो ये जो पी वेरिएबल है इसको हमने डिक्लेयर किया है, ये किसी भी इंटीजर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस होल्ड कर सकता है. तो पॉइंटर वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जिसमें किसी और वेरिएबल का एड्रेस हम स्टोर कर सकते हैं और इसको हम डिक्लेयर करते हैं इंट स्टार पी. तो इसी तरह अगर हमें कोई एक हमारे पास जो वेरिएबल है वो फ्लोट टाइप का है और फ्लोट टाइप का
जो वेरिएबल है उसका एड्रेस हमने किसी वेरिएबल में स्टोर करना है, तो उसके लिए फ्लोट टाइप का पॉइंटर हम यूज करेंगे। तो इस तरह ये दो पॉइंटर वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए, एक इंटीजर टाइप का है और एक फ्लोट टाइप का है। इन दोनों वेरिएबल्स को हम यूज कर सकते हैं डिफरेंट, लाइक जो इंटीजर पी है उसमें इंटीजर टाइप का जो वेरिएबल है उसमें इंटीजर टाइप का एड्रेस स्टोर होगा, और जो फ्लोट टाइप का जो वेरिएबल है उसमें फ्लोट टाइप वेरिएबल का एड्रेस स्टोर होगा। इसके अलावा void टाइप के पॉइंटर्स भी होते हैं। void टाइप के पॉइंटर्स क्या होते हैं? जिसमें डेटा टाइप मेंशन नहीं होती। जो वाइट टाइप के पॉइंटर वेरिएबल्स होते हैं दे कैन होल्ड मेमोरी एड्रेस ऑफ वेरिएबल्स ऑफ एनी टाइप। तो आप कोई अगर ऐसा जो पॉइंटर डिक्लेयर कर दें जिसकी टाइप वाइट हो, तो उसमें चाहे आप इंटीजर, फ्लोट, लॉन्ग, स्ट्रिंग, किसी भी डेटा टाइप का अगर आप उसमें वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करना चाहें, स्टोर करना चाहें, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो वाइट टाइप का जो पॉइंटर है उसको डिक्लेयर करने के लिए void कीवर्ड यूज होता है, void star key। तो अब इस स्टेटमेंट से जो हमने पॉइंटर डिक्लेयर किया है वो void टाइप का है और इसमें void जो है वो कीवर्ड है, तो इस पॉइंटर वेरिएबल में हम इंटीजर टाइप का, फ्लोट टाइप का या किसी भी डेटा टाइप का जो वेरिएबल है उसका एड्रेस हम इस पॉइंटर में स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है पॉइंटर्स एंड एरेज। सर वलीद अब्दुल्ला का नेट नहीं चल रहा तो वो क्लास इसलिए नहीं ले पा रहे हैं। तो पॉइंटर्स एंड एरेस जो हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन पॉइंटर्स एंड एरेस। जो भी हम एडवांस प्रोग्रामिंग में जो टेक्निक्स यूज करते हैं उसमें उनमें एरेज को एक्सेस करने के लिए पॉइंटर्स को यूज किया जाता है। एरेज में हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास कंसेक्टिव लोकेशंस होती हैं जो कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होती हैं। तो इसमें अगर हमने एरे को एक्सेस करना हो तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा एरे का उसको एक्सेस किया जाता है यूजिंग द पॉइंटर वेरिएबल। फिर उसके बाद पॉइंटर को इंक्रीमेंट किया जाता है ताकि बाकी जो एलिमेंट्स हैं एरेज को उनको भी एक्सेस किया जाए। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक एरे है और उसका साइज 5 है तो उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इंडेक्स 0 पे होगा। तो पॉइंटर पी अगर आप यूज करेंगे उसको इंडेक्स 0 को एक्सेस करने के लिए, तो 1, 2, 3, 4 जो एलिमेंट्स हैं एरे के उनको एक्सेस करने के लिए आप पॉइंटर पी को इंक्रीमेंट करेंगे तो बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं एरे के वो भी एक्सेस हो जाएंगे। जब भी एक एरे को डिक्लेयर किया जाता है
तो उसका जो एरे नेम होता है वो स्टार्टिंग एड्रेस को पॉइंट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया इंट x5 और पॉइंटर वेरिएबल इसमें p है। तो एरे हमारे पास इंटीजर टाइप का है और इसका साइज 5 है, और इंटीजर टाइप का हमने एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका नाम p है। इसमें x जो है इसकी टाइप इंट है, और जो p है इज आल्सो अ पॉइंटर वेरिएबल ऑफ टाइप इंट। तो हमें इसमें जो एड्रेस इसका स्टोर करना हो अगर p के अंदर, तो उसके लिए हम ये एक सिंपल स्टेटमेंट यूज करेंगे, असाइनमेंट स्टेटमेंट p इज इक्वल टू x। तो इससे जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा एरे का वो पॉइंटर p में स्टोर हो जाएगा। इस तरह हम जो स्टार्टिंग एड्रेस है एरे का वो किसी पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें जो एड्रेस ऑपरेटर है, हमने जो पहले एग्जांपल देखी जिसमें हम एक वेरिएबल का एड्रेस किसी पॉइंटर में स्टोर करते हैं, तो उसके लिए एम्परसेंट साइन यूज होता है, हमने उसको प्रिंट करना हो। लेकिन यहाँ पे हम एम्परसेंट साइन को यूज नहीं करेंगे, या जो एड्रेस ऑपरेटर है उसको यूज नहीं करेंगे। क्यों सर? ये सिंटैक्स है, अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स हम इसको अगर जस्ट सिंपल असाइनमेंट करते हैं तो तब भी जो एरे का स्टार्टिंग एड्रेस है, जो उसका इंडेक्स है, जो उसका एड्रेस होगा वो पॉइंटर में ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगा। द एड्रेस ऑपरेटर इज नॉट यूज व्हेन ओनली द एरे नेम इज यूज। इफ एन एलिमेंट ऑफ द एरे इज यूज द एड्रेस ऑपरेटर इज यूज। फॉर एग्जाम्पल इफ द मेमरी एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे इज टू बी असाइन टू पॉइंटर द स्टेटमेंट इज रिटन एज। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू असाइन p is equal to x0, तो यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि कौन सा इंडेक्स्ड एलिमेंट जो है उसका एड्रेस हम p में स्टोर करेंगे। तो जब आप सिंपल सिर्फ नेम यूज करेंगे तो फिर आपको एड्रेस ऑपरेटर की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर आप कोई स्पेसिफिक एलिमेंट फ्रॉम द एरे उसको असाइन करेंगे पॉइंटर p को, तो फिर साथ में एम्परसेंट साइन जो है वो लगाना पड़ेगा। जब कोई इंटीजर वैल्यू लाइक 1 उसको हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे पॉइंटर से, तो जो कंटेंट होंगे पॉइंटर वेरिएबल p के वो इंक्रीमेंट होंगे या डिक्रीमेंट होंगे। इट इज इंक्रीमेंटेड बाई 1 मल्टीप्लाइड विद साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट और एलिमेंट। लाइक अगर आपके पास इंटीजर टाइप है तो वो 2 बाइट है, तो जब उसको इंक्रीमेंट करेंगे तो वो 4 बाइट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द एरे ऑफ इंटीजर टाइप हैज इट्स ऑब्जेक्ट और एलिमेंट साइज ऑफ 2 बाइट्स, इट इज 4 बाइट इन जिनिक्स सिस्टम। द एरे ऑफ टाइप फ्लोट हैज इट्स ऑब्जेक्ट आर एलिमेंट साइज ऑफ 4 बाइट्स। तो इसी तरह जो डबल है उसका जो एलिमेंट साइज है वो 8 बाइट होगा,
जो चार टाइप है इसका जो एलिमेंट साइज है वो 1 byte है. तो जब हम इसको इंक्रीमेंट करेंगे तो वो उसके जो कंटेंट्स हैं वो भी चेंज होंगे. इसकी एग्जांपल देखते हैं. फॉर एग्जांपल जो हमारे पास पी इस वक्त है वो लोकेशन नंबर 200 पे है. तो यहाँ पे अगर जो इसको एड्रेस असाइन हो रहा है दैट इज 200, तो अगर हम इसमें इंक्रीमेंट करते हैं पी प्लस 1 करते हैं तो इसमें एक इंक्रीमेंट होगा. अब इसमें इंक्रीमेंट जो होगा वो इस तरह होगा 200 प्लस 1 इंटू 2. तो अब इसका जो नेक्स्ट एड्रेस हो जाएगा वो 202 हो जाएगा. तो हमारे पास इसमें क्या था, अभी हमने जो डिस्कशन की है उसके मुताबिक कि अगर हमारे पास कोई एरे है उसका साइज 5 है और उसका एड्रेस हम स्टोर करना चाह रहे हैं पॉइंटर पी में, और पॉइंटर पी जो है वो इंटीजर टाइप का है, ये सेम डेटा टाइप होनी चाहिए. तो इसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है जब भी हम इसका नेम असाइन करेंगे पी को तो जो इसका स्टार्टिंग एड्रेस है वो इसमें पी में स्टोर हो जाएगा. लेकिन अगर हम किसी स्पेसिफिक एलिमेंट का एड्रेस पॉइंटर में स्टोर करना चाह रहे हैं तो हमें ampersand साइन को यूज़ करना होगा. तो फॉर एग्जांपल मेमोरी लोकेशन जो पॉइंटर पी में है वो 200 है. तो अगर हम इस पॉइंटर में 1 इंक्रीमेंट करते हैं तो वो इंक्रीमेंट जो होगा वो एड्रेस प्लस 1 इंटू 1 का इंक्रीमेंट है, जितना भी इंक्रीमेंट है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, इंटू जो साइज ऑफ द एड्रेस है. लाइक इसमें इंटीजर टाइप है तो उसके लिए हमें जो ब्लॉक होगा मेमोरी लोकेशन में वो 2 byte का होगा, फ्लोट होगा तो 4 byte का होगा, लॉन्ग होगा तो 8 byte का होगा. तो क्योंकि ये इंटीजर टाइप का है तो 1 into 2 200 प्लस 2 इज इक्वल टू 202. तो अब यहाँ पे जो मेमोरी एड्रेस है वो 202 है. तो इस तरह हम जो मेमोरी एड्रेसेस हैं वो पॉइंटर्स में स्टोर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो इसकी डेटा टाइप है फ्लोट है, तो जो पॉइंटर वेरिएबल है इसकी टाइप भी फ्लोट होनी चाहिए. अब अगर हम इसी सिंटेक्स को रखें, लाइक पी को हम एक्स असाइन कर दें और ये एक इंडिविजुअल एलिमेंट है 0 और उसको 200 जो है वो एड्रेस असाइन हुआ है, तो हम इसमें अगर 1 इंक्रीमेंट करते हैं, हमें पता है फ्लोट जो डेटा टाइप है इसको स्टोर करने के लिए 4 bytes रिक्वायर्ड है, तो फिर यहाँ पे 1 into 4 हो जाएगा और इसको जो मेमोरी एड्रेस असाइन होगा वो 204 होगा. अगर हम इसमें 2 का इंक्रीमेंट करते हैं तो यहाँ पे ये 2 होगा और जो मेमोरी एड्रेस असाइन होगा वो 208 होगा. तो इस तरह हम डिफरेंट जो एड्रेसेस हैं उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली हम उनको शिफ्ट कर सकते हैं. तो ये 208 हो गया. तो पी को फिर अगेन, अब पी में जो एड्रेस है वो क्या है 208. अब पी में अगेन मैं जो है प्लस 1 करता हूं तो अब इसमें जो एड्रेस सेव होगा वो क्या होगा, वो प्लस 4 अगेन दोबारा हो जाएगा और यहां पे इसको जो असाइन होगा वो 2012 होगा, 212 होगा, 208 प्लस 4 तो ये 212 होगा. तो इस तरह हम जो एरेस की कंटेंट्स हैं उनको थ्रू पॉइंटर एक्सेस कर सकते हैं.
जो पॉइंटर वेरिएबल होता है इट कंटेन्स मेमोरी एड्रेस एज वैल्यू, जिस तरह हमारे पास किसी भी वेरिएबल में उसकी वैल्यू होती है, लेकिन पॉइंटर वेरिएबल में क्या होता है, मेमोरी एड्रेस होता है। वेरिएबल के अंदर कोई स्पेसिफिक वैल्यू होती है, जिस तरह हमने एग्जांपल में देखा 6570 या 1234, कुछ भी वैल्यू हम उसमें रख सकते हैं। लेकिन पॉइंटर्स के अंदर हमने देखा कि पॉइंटर्स जो वेरिएबल्स होते हैं उनमें एड्रेसेस होते हैं जिसकी कोई ना कोई स्पेसिफिक वैल्यू होती है, इसको हम इनडायरेक्ट रेफरेंस कहते हैं। लाइक एक वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू 7 है, वेरिएबल का नाम काउंट है, तो जो काउंट पॉइंटर है वो रेफरेंस करता है इस मेमोरी, इस वैल्यू को। तो इसमें जो इंटरेक्शन